हेलो, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। तो आज हम खरीदने जा रहे हैं आपकी जो सुल्तान आरएस क्लासिक, इन्होंने रिलीज़ की है साउथ एंड सैन एंडियस सुपर ऑटोज में। तो बेसिकली जो सुल्तान है वो मॉडल है हमारा आपका सुबारो का। तो जो सुल्तान आरएस क्लासिक है ये सुबारो इंप्रीज़ा इसका बेसिकली जो ओरिजिनल नेम है, या आप कह लेंगे जो ओरिजिनल में गाड़ी है वो इस नेम के साथ शो की जाती है। तो आइए इसको परचेज़ करते हैं। सुबारो की गाड़ियाँ मोस्टली ब्लू में देखी है मैंने, तो मैं ब्लू में परचेज़ कर रहा हूँ। तो गाइज ऑफिस ड्राइव थ्री में करते हैं, तो देखते हैं गाइज इसमें ऐसा क्या ख़ास है और देखते हैं इसकी कस्टमाइजेशन उन्होंने कैसे की है। जी हाँ, तो पहुँच गई हमारी गाड़ी आपकी जो आपकी सुल्तान आरएस है हमारी क्लासिक। तो बेसिकली कैरिन भी इन्होंने आपका जो कैरिन है ना, बेसिकली इन्होंने जैपनीज़ गाड़ियों का ब्रांड दिया हुआ है। तो उसमें टोयोटा, मोस्टली टोयोटा और ये आपकी सुबारो और ईटीसी आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कस्टमाइजेशन करते हैं इसकी कैसे रहती है गाड़ी। लेट्स सी व्हाट आर वी डूइंग टुडे। सर जी आर्मर पूरा जी, ब्रेक्स हमारी फुल, बम्पर चेक करते हैं जी। ओके वाओ, हाँ ये वाला बम्पर MK2 बम्पर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। ड्रिफ्ट बम्पर आगे से उन्होंने चीज़ उखाड़ी थी, कोई इतना मज़ा नहीं आया। ड्रिफ्टिंग के लिए हमारे पास एक गाड़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा GT की तरह तैयार करता हूँ, यानी कि रेसिंग के लिए। इंजन ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ही कार्बन है, पॉलिश वॉल्व है, पॉलिश वॉल्व लगा रहा हूँ मैं, कवर्स। ओके तो ये वही कुछ चीज़ें हैं सिमिलर लैब अदर डी। ये है इसका लाइटिंग रेसिंग स्टार्ट बार, तो इसको हम कोई भी बार लगा सकते हैं इसमें। इंजन ट्यून हमने मैक्स कर लिया है, तो एग्जॉस्ट जो है वो देखते हैं कौन सा अच्छा है। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्रोम भी है और हमारे पास क्रोम परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, तो हम ये लगा रहे हैं सबसे अच्छे वाला। हेडलाइट्स इसकी बस जस्ट पेपर ही दिया उन्होंने और कुछ खास नहीं, और नहीं सॉरी सर ये थोड़ी सी उसके पास स्किप दी है उन्होंने, मतलब कि अंदर से जो उसका कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं आप। तो बहरहाल हम कार्बन हाउसिंग लगा रहे हैं। अच्छा ओके, तो हमारे पास हुड्स आ जाती हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। स्टड्स हैं सिंपल, वही जो मोस्टली मैंने पिछली अपडेट्स में दी हैं। तो हुड स्टाइल देख लेते हैं, नो ये कुछ प्यारा लगा मुझे। ये वाला ज़्यादा प्यारा, तो हम थोड़ा सा इसको मतलब कार्बन और एक दो मैं सिंपल लगा रहा हूँ, सॉरी लेकिन बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे चेंज कर लेंगे। क्लासिक हॉर्न में चल जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके डैशबोर्ड पर क्या दिया मैंने भाई। अच्छा उसको थोड़ा स्पोर्टी करने के लिए मैंने चेंजिंग दिखाई है लास्ट के लिए, बढ़िया ठीक है। इस पर ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो हम ये चीज़ करेंगे इसके ऊपर। डायल्स ये नहीं, ये भी नहीं, नहीं। ओ वाओ, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा किया यार, जो इन्होंने ये चीज़ दे दी। ओके उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी कैटेगरीज दी हैं, आप देख सकते हैं मीटर के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से लुक नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं। यही बेहतर है, MK13 का डिस्प्ले ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसमें। अच्छा जी, डोर्स आप देख सकते हैं वही आपके कर लेते हैं, ज़रा अच्छे कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन रेस डोर पे कर लेते हैं। नो स्ट्रीट हाफ थोड़ी बहुत हम लगा लेते हैं इसको। अच्छा उसके बाद हम आते हैं हेडलाइट के लिए, ऑन कर देते हैं उसको। न्यून जो है इसकी लाइट का फ्रंट एंड बैक साइड ये वो सारा कुछ न्यून आप कर लें, कलर कोई भी मिंट ग्रीन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिक अगर चेंज करना पड़ा तो ओके। यहाँ पर आ गए हमारे पास लिवरीज, हमारे पास
सिमिलरली दी है उन्होंने शुरू वाली डिग्रीज, मोस्टली इनकी जो लॉस ट्यूनस की अपडेट है ये कुछ बेहतर थी। रेड बूट नो ये अच्छी है, क्रेन परफॉर्मेंस ये कुछ बेहतर लग रही है, कुछ गुजारे लाइक जैसे आप कह दें। बाकी अदर हैंड में तो कुछ खास इतना मज़ा नहीं आया। स्ट्रीट रेसर व्हाट द हेल, नो 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 गाइस, ये लिटिल बिट अच्छी लग रही है तो इसके हिसाब से हम कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, हमारी मेंबर पे स्कोरिंग है, डिस्प्ले में जाते हैं, प्राइमरी कलर में जा रहे हैं, मेटालिक में जा रहे हैं, तो गाइस लुक लाइक दैट थिंग। बट हम थोड़ा सा इसको ब्लू करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे इसका कलर जो बेसिकली है वो ब्लू में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप ब्लू के अंदर ये काफ़ी क्रेज कर रही है, तो हम मजीद और भी ब्लू चेक करते हैं। ब्लू टोटली ब्लू, ब्लू के अंदर ये लिवरी इतनी कुछ खास मज़े की नहीं लग रही, लेकिन जो डार्क ब्लू है उसमें तो बहुत अच्छी लग रही है। तो हम इसको मिड नाइट ब्लू तैयार करने वाले बहुत ज़्यादा है। फिर रिसेंट हम इसको थोड़ा सा इसके ग्रेडियंट्स जो हैं वो हम चेंज करते हैं। यस येलोइश, मतलब रेस येलो येलो उसका ग्रेडियंट्स में हो गया। अब गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। हाँ नहीं, रेस येलो ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये हमारे हाँ मैच इसका हम वाइट नॉट ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। येलो ही बेहतर लगेंगे क्योंकि हमने येलो के साथ इसका क्रीम कलर, तो क्रीम कलर हमारा क्योंकि कार्बन है तो उसका फायदा ही नहीं है। एक्सेंट कलर हम चेंज कर सकते हैं जो आपके मेटल्स का है, तो वो हम ब्राउन गोल्ड रेस येलो समथिंग जैसे ही कुछ लग रहा है, ऑरेंज सनराइज रेड। ओके गाइस, स्टैंडर्ड रूफ हो जाएगी तो येलो आ जाएगा हमारे पास। स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके रूफ सैसरी ओ नौ गए और ये चीज़ें नहीं, हाँ नहीं सुधारों पर ये चीज़ फिर भी अच्छी लग जाती है। आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लैक और ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो गया। स्कर्ट्स हमारे पास ट्यूनर पीसी और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो लास्ट वाली हम बता रहे हैं ट्यून स्कर्ट्स सनस्ट्रिप ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है कैरेंट में। ठीक है, तो स्पॉयलर्स देखते हैं, स्पॉयलर्स इसके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अगर इन्होंने अच्छे नहीं दिए तो भाई इसका मतलब इन्होंने चवल मारी है। आप देख ही दी इन्होंने जरा, हाँ ये कुछ लुक अच्छी दे रही है। ओके यही तो चीज़ चाहता था मैं। वाओ वाओ इट्स लुक गॉर्जियस, इट्स लुक गॉर्जियस। ओके गाइस सस्पेंशन हम ओह माय गॉड चेक द व्हील्स गाइस, चेक दैट व्हील्स। तो ये गाड़ी हमारी कम्प्लीटली वो व्हील्स बाहर में लग जाती है, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे, हम स्पोर्ट्स सस्पेंशन लगा देते हैं क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है गाड़ी इस सेंस में। तो रेस ट्रांसमिशन हो जाएंगे हमारे, रेस ट्रांसमिशन ठीक जाएंगे। ट्रंक जो है ओके, ट्रंक को भी हम स्कैंडी दे सकते हैं, कार्बन भी है और ये कंबाइन है स्टिकी बॉम। नो कार्बन ट्रंक नहीं, जो ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, येलो का थोड़ा सा मैं ये कलर येलो का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। स्कैंडी हमारा टर्बो ट्यूनिंग क्यों नहीं भाई, करवानी है, मैं जरूर करवानी है। व्हील्स कलर, व्हील टाइप हम देखेंगे कि अपना ट्रैक में ये तो हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं लेकिन जितने अच्छे हैं भी नहीं। स्ट्रीट्स गाइस लुक गुड, रियली गुड। व्हील कलर्स हम
थोड़ा सा येलो से येलो से करेंगे, येलो रेस येलो ये रेस रहा है, रेस येलो कर रहे हैं ये भी कलर, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी फील हो कि भाई नहीं भाई अटोमिक के लगा रहा हूँ क्योंकि वो कलर मैच कर रहा है। ठीक है, टायर्स से आपके इलेक्ट्रोफ होंगे, टायर्स हम चेंज कर सकते हैं एट आपकी जो कार मीट शॉप एल एस मीट शॉप है या मीट्स है वहाँ पर, तो वो ड्यूरिंग चेंज हो सकती है मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो स्मोक हम येलो ही देंगे इसको भजन, तो गाइस इट्स रियली लुक कूल, लेमो लेमो करेंगे हम भजन इसको। ओके, विंडोज के ऊपर भी इन्होंने थोड़ा बहुत हमें दिया है शिशका जिसे कहते हैं आप, वह ये क्या चवल मारी है यार, अच्छे वाली चवल है। खैर तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मैं ये सिंपल लगाना सेकेंडरी हो क्योंकि थोड़ा वो चिस्का ठीक है। ओके, तो हम अपना डिस्प्ले में जाकर थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज करते हैं, डिस्प्ले में है हमारा सेकेंडरी कलर क्लासिक मेटैलिक करने वाले हैं, मेटैलिक में हमें मिल जाएगा यहाँ पर रेस येलो और ये रहा रेस येलो। तो गाइस ये टोटली कैचअप होगी हमारी रेस येलो के साथ। और दूसरा हम अपना जो इसकी लाइट्स हेडलाइट्स में नहीं होगा था, लाइट्स में हमारा जैसे न्यून पिक्स का कलर जो है वो भी हम येलो जो गोल्डन साउंड येलो ही देते हैं क्योंकि हम गाड़ी येलो ड्राइव कर रहे हैं। तो ओके गाइस, इसके साथ हमारी गाड़ी तैयार हो गई है, तो एग्जिट टू ग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं हमने क्या ऐसी चीज़ तैयार की। और गाइस आप देख सकते हैं भाई चीज़ तो उत्तम की तैयार हुई है, तो गाइस चेक इट। आइए चलिए इसकी ड्राइव लेते हैं, ड्राइव में कैसी है, स्मूथ है या फिर फास्ट है। ओ माय गॉड, फील लाइक ओ माय गॉड, वाओ वाओ गाइस, गाड़ी पावरफुल भी है काफ़ी ज़्यादा और गाड़ी चलाने का मज़ा भी आ रहा है, मतलब कि फील तो आ रही है कि आप एक स्पीड रेसिंग कार यूज़ कर रहे हैं, वाकई ये पावरफुल गाड़ी है और लिटरली ड्रिफ्टी भी है, तो इसको मज़ा आएगा चलाने का, मतलब कि आपको ड्रिफ्टिंग या रेसिंग के अंदर। तो हम इसका थोड़ा सा चेकअप करते हैं कि भाई। तो गाइस ये थी हमारी गाड़ी, देखते हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं व्हीकल्स में जाकर। हमारे पास ऑप्शन है जी ऑल, ओपन करवा रहा हूँ मैं इसके। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका बैक फ्रंट नज़र आ रहा है हमें, अंदर से इंटीरियर नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत हमने वोल्टेजेस लगाई थी वो भी शो कर रहे हैं, वो ज़्यादा ओवर लगती हैं। तो ये इसका आ गया इंजन। सो गाइस, तो ये रही आपकी करीम सुल्तान RS क्लासिक। सो गाइस, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।